मुल्क विच जारी लॉकडाउन की वजह नाल एह कश्मीरी नागरिक बरनाला विच फस के रह गए हैं। सर्दियों के मौसम विच छाल कंबल वेचण आए कश्मीरी हर साल गर्मियां शुरू होंदिया ही कश्मीर वल रवानगी पा देंदे सन, पर इस वार जदों जाण दी वारी आई तां करफ्यू लग गया। अंजुमन डार अते गुलाम मुहम्मद पिछले 30 तों 35 साल तों बरनाला आ रहे ने। उन्हां दा कहना है कि उन्होंने 25 मार्च नूं वापस कश्मीर जाणा सी, पर लॉकडाउन दा ऐलान हो गया। फिर उन्हां सोचिया कि 14 अप्रैल नूं वापस चले जाणगे। 14 अप्रैल तों बाद भी करफ्यू होर लंबा वध गया तां हुण उन्हां नूं वापसी दी फिकर सताउण लगी है। हुण 3 मई दी तरवास है, पर आपणियां दी फिकर है उपरों वध रही गर्मी दरमियान उन्हां नूं इत्थे दिक्कत भी हो रही है। नाल ही रमजान दा महीना होण करके उह कश्मीर वापस जाना चाहुंदे हन। इत्थे 60 दे करीब कश्मीरी फसे हन। जो कमाया सी उह पिछले 1 महीने तों वेले बैठ के खर्च हो रहा है। कश्मीर च उन्हां दे परिवार उन्हां दे इंतजार विच हन। उन्हां दे सामने भी रोटी दा संकट खड़ा होण लगा है। प्रशासन नूं हुण तक उह कई वार गुहार लगा चुके हन उन्हां दी घर वापसी करवाई जावे। सराम कश्मीर का रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का है। हम यहाँ 6 महीने से काम कर रहा था, शाल शुल का काम कर रहा था। हमें यहाँ हो गया 10-15 साल आ रहा था यहाँ मजदूरी करने के लिए। यहाँ जो शाल शुल बेचते हैं, फिर तो हम वापस जाते हैं जी सर 25 मार्च तक। फिर 25 मार्च के बाद जब लॉकडाउन हुआ है, फिर हम यहाँ फंस गए। हमारे पास बच्चे छोटे छोटे था वहाँ, और माँ बाप भी हैगा, और बच्चे भी हैगा, बीवियाँ भी हैगा, वो वहाँ तरसते। जो पैसा है वो तो हमने उनको कुछ माड़ा मोटा दे दिया सी। वहाँ कुछ पैसे माड़ा मोटा हमारे पास था कि हमने सोचा हम घर जाएंगे। जब लॉकडाउन हुआ हमने उसका पालन कर दिया। आज 1 महीना से 3 दिन या 4 दिन हो गए जी सर यहाँ, फिर तो हम यहाँ फंस गए। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें घर पहुँचाए, कि वहाँ बच्चे भी हमें तरसते हैं, माँ बाप भी तरसते हैं, वहाँ बच्चे हैं, हम यहाँ हैं। वहाँ से नहीं सर, हमें किसी से नहीं सरकार। वहाँ तो गवर्नर चल रहा था, वहाँ से गवर्नर को भी किसी ने नहीं पूछा कि क्या पता है वहाँ क्या। हमने तो किसी से नहीं पूछा था। हम कल DC साहब के पास गया था, तो उनने बोला, हमने उसको बोला कि इतला किया कि उसको रिक्वेस्ट कर दिया कि हमें घर पहुंचाओ। उसने बोला कि हमें पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। हमने उसको बोला आपकी मेहरबानी, अगर हमारे लिए आप कुछ कर रहे हैं तो हमें घर पहुंचाई जाए। दिक्कत तो हमारे पास ये है सर, हमारे पास बच्चे हैं। अगर आप लोग भी परिवार वाले हैं, मंत्री वाले भी परिवार वाले हैगा, उनके बच्चे अगर बाहर होंगे, आप तो घर में होंगे या वो खुद बाहर होंगे, हम बच्चे बाहर होंगे तो वो कैसे रोटी खाएं। जब हम शाम को रोटी खा रहे हैं तो वो उस टाइम वो फ़ोन करते, वो तो रो रहे हैं वहाँ। हम गरीब लोग अगर कहाँ, हमारे पास उतना है नहीं फैसिलिटी के जितना हम यहाँ भी रह सकते हैं या वहाँ भी रह सकते हैं। हम जब आते हैं अपनी मेहनत के लिए यहाँ कुछ कमाने के लिए, हमने सोचा गरीब आ रहा है, गरीब तबके हैगा वहाँ लोग हैगा। यहाँ भी हमारे पास किराया नहीं था, उन कमरे का भी किराया भी देना हैगा। गर्मी का मौसम हम यहाँ नहीं रह सकते जी सर। हमें यही इतना हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें किसी तरीके से अपने घरों में लेके जाए, वो बहुत बड़ी मेहरबानी है उन। नहीं सर, वो तो ठीक बात है, वो तो गवर्नमेंट का सोचना है, गरीब का भी हैगा। अमीर लोग तो भी नहीं चल सकता, गरीब भी हैगा, गरीब से भी जनता मंत्री बन रहा है। जब उनके लिए है कि यहाँ UP सरकार ने भी कुछ गाड़ियाँ भेजा है, अपने अपने मजदूर लोग हैं चाहे अमीर लोग हैं अपने घरों में भेज लेकर आए हैं, फिर तो सरकार जो कुछ कर रहे हैं तो मगर वो तो ठीक कर रहे थे। हमने कहा कि नहीं, तो ये बीमारी है, हम भी उसको पालन कर रहे थे, अपने घरों में कर रहे हैं, फिर भी तो बच्चे देख लेंगे। हमारे को तो पूरे 6 महीने हो गए जी यहाँ पे। हमने अब 22 मार्च या 25 मार्च को हमने घर जाना था जी, तो फिर उसके बाद हम ने सोचा जी कल जाएंगे परसों जी, जब तक लॉकडाउन जब तक हो गया जी। उसके बाद कोई हमारे कोई सहारा नहीं मिला जी, कोई बिल्कुल कोई बस नहीं, कोई वास्ता नहीं, हम तो बिल्कुल यहीं पे फंसे हुए हैं जी। अब तो यहाँ पर बिल्कुल बैठे हैं जी घर में, बेला कोई काम नहीं, कोई वास्ता नहीं, अंदर बैठे हैं जी बेला। यहाँ पर इसीलिए आए थे, हमारे रिक्वेस्ट है जी पंजाब गवर्नमेंट को भी, कश्मीर गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर हमारे को घर पहुँच जाओगे तो बहुत अच्छी बात है जी। हम यहाँ पर शालों का काम करते हैं जी, सर्दियों का काम, सर्दियों में हम शालों का काम करते थे यहाँ। सर्दी आते हमारे को 30-35 साल हो गए जी इधर काम करते, मजदूरी का बहाना है जी, बस और क्या जी। यहाँ पर कम से कम 50-60 लोग है जी। नहीं, 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 कोई सहायता नहीं पूछी बिल्कुल, ना किसी को हमने मांगा जी, ना किसी ने दिए। हमारे परिवार बहुत अच्छी तरह जी, शुक्र है जी मालक का, हमारा परिवार है जी, बच्चे है जी, बीबी है जी, बाकी सारे है जी परिवार बहुत अच्छी तरह। हाँ, कश्मीर में ही सारे। कश्मीर में कहाँ से? कुलगाम से जी, कुलगाम से, नागाम हमारा गाँव है जी। सभी लोग वहाँ अलग अलग जगह से? हाँ हाँ, सारे लोग अलग अलग जगह से, कोई नागाम का, कोई कुलगाम का जी, कोई कुपवारा का जी।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਨਜੂਰ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਫਸਿਆ ਕਿ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। यहाँ पे हम यहाँ पे रह रहे हैं तो एटलीस्ट से जो हैं जम्मू कश्मीर के लोग हैं 60 के करीब हैं, और यहाँ मेरे अंकल काम कर रहे हैं, मैं उन्हीं की वजह से यहाँ आया था। वैसे मैं जे एंड के पुलिस से हूँ, कोई ट्रीटमेंट था मेरा 45 मंथ्स बैक, मेरी ब्लास्ट इंजरी हुई थी, तो गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी अपॉइंटमेंट था 18 तारीख का। 18 तारीख से होके वहाँ से यहाँ मैं पहुँच गया बरनाला। 21 तारीख को यहाँ से निकलना था हमें, 21 तारीख से ट्रांसपोर्ट न होने के कारण, न मिलने के कारण हम यहीं पर रह गए। और 144 जो यहाँ पे लॉकडाउन भी था, 144 भी लगा था पंजाब में, तो इसकी वजह से मैं इन चीज़ों को मद्दनज़र रह के, क्योंकि जानने के बावजूद मैंने किसी को नहीं जाने दिया। मैंने बोला नहीं, इस चीज़ को एहतराम करके 14th जो अप्रैल आ रहा है, इसको लॉकडाउन शायद खुल जाएगा, उसके बाद हम रवाना हो जाएंगे। तो हमारा माह रमज़ान भी आने वाला था, तो हमने बोला चलो मतलब 14 को हम निकल जाएंगे यहाँ से। 14 के कारण आप बढ़ा दिया 3 मई तक, तो 20 को बोला था फॉर्मली हम खोल देंगे, कोई एक उधर इधर जो बाहर के होंगे वो चल पड़ेंगे। 20 को भी नहीं खुल पाया, तो इसके कारण हम यहाँ पर ठप हैं। 34 दिन से हमारी दरहम बरहम जिंदगी है। किसी के पास जितने भी जो कि पैसे कमाए थे इन्होंने यहाँ से मजदूरी करके, तो इनके पास ख़त्म हो गए हैं। बाकी तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोई कुछ नहीं, जहाँ पर बाहर नहीं निकलने की वो भी इजाज़त नहीं मिली। 144 के कारण हमें बाहर भी नहीं जाने दिया, और हम जाने खुद ही इनकार किया गया कि नहीं, हमने इसका तहफ़ किया क्योंकि बीमारी ऐसी है। तो अब हम लास्ट में यही चाह रहे हैं, रमज़ान भी आने वाला है, हम यही चाह रहे हैं कि हम अपने कश्मीर पहुँच जाएँ। सभी हमारे घर में मेरी डैडी और पापा और मम्मी हैं। कश्मीर में आप कहाँ भी रहते हैं? कुपवारा, मरहामा कुपवारा में रहता हूँ। मैं कांस्टेबल पोस्ट पे तैनात हूँ, कश्मीर सिक्योरिटी। मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि जैसा भी हो सकता है, अगर आपको मिल सकता है कहीं से सुविधा तो आप आ सकते हो, अगर नहीं तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं, आप फिलहाल अपनी जान का सोचें। उसके कारण भी हमने सोचा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि मेरी तनख्वाह, सैलरी की भी बंद होगी इस महीने, क्योंकि कोई इन्फॉर्म नहीं है। मैं थाने तक भी गया 2 बार अपना रिपोर्ट डलवाने के लिए, इन्होंने ये टस से मस नहीं हो गए। हम यही मांग करते हैं कि हमें घर भेज दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन से, पंजाब सरकार से यही रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ और प्लीज़ हमें घर जाने की इजाज़त मिले, और हमें और कश्मीर गवर्नमेंट को भी, वहाँ गवर्नमेंट नहीं है अवेलेबल, और वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर राज जो चल रहा है उसको उससे बात करके हमें घर भेज दिया जाए। और जो 14 डेज़ का जो तहफ़ है हम घर में भी कर सकते हैं। हमें पता है कि घर में ज़रूरी, हमें सभी के परिवार में बच्चे हैं, बीवियां हैं, सभी तहफ़ अपना खुद ही कर सकते हैं, और करना भी चाहिए सभी को। उधर बरनाला प्रशासन की दलील है कि कश्मीरियों का वफद उन्होंने मिलया सी, वो वापस जाना चाहते हैं, पर पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों तहत ही उन्होंने वापसी संभव होगी। हाँ जी, वो मैंने कल आके मिले थे, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी दी है कि उन्होंने वापस कश्मीर जाना है। उन्होंने जो एप्लीकेशन असी सरकार को भेज दी है, तो ये सिर्फ बरनाले ही नहीं है, कई जिलों में पंजाब में बैठे हैं। सो जो भी सरकार इन्हों का फैसला करेगी वो असी लागू कर देंगे। तो इस तो बाद हाले साढ़े जिले वालों असी कोई हाले कार्रवाई नहीं कर रहे। उस संबंधी उन्होंने मैंने कोई दसा नहीं कि जी उधर कोई पुलिस का भी मुलाजम इतने है, जो होया तो कोई स्पेशल देख लेंगे कि वह बन गया। पर मैनू जो मैं मिलना है, उन्होंने मैंने इस बारे कोई जिक्र नहीं किया, इस बारे मैं कुछ कह नहीं सकता जी। ये तो सरकार नहीं देखना है, जिमें भी फैसला होगा असं लागू कर सकते हैं। अचानक ऐलाने लॉकडाउन ने मुल्क के कई हिस्सों में वख-वख सूबों के नागरिकों को फसा दिता है। हुण जदों लॉकडाउन की तारीख अगे दी अगे वध रही है, तो महामारी अपने पैर पसार रही है, तो इन्हां लोकां दी फिक्र वधन लगी है। वह वापस अपने वतन वरतना चाहते हैं, तो सरकारां नूं अपील कर रहे हैं कि उन्होंने वापस उन्होंने घरों घर ही पहुँचाया जाए। बरनाला तो सिख न्यूज़ एक्सप्रैस लई सुखचरणप्रीत। Thank you.
साडे यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब करो।